सभापति महोदय बीयू सबौर से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय प्रकाश जी कृषि उत्पादन आयुक्त को पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्र देकर उनका अभिनंदन करें। निदेशक कृषि का स्वागत। प्रसाद शिक्षा महोदय द्वारा निदेशक उद्यान का स्वागत। आपसे अनुरोध करूंगी कृपया बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय का स्वागत करें। मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि कृपया आप दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। खुशी इस बात की है, आज जिस बात पे हम लोग गहन अध्ययन करने के लिए यहाँ पे जमा हैं उस पे हम थोड़ा बहुत प्रकाश डालना चाहेंगे। पहले तो हम अपने एपीसी का पर्सनली अपना एहसान मंद उनके सामने पेश करते हैं, क्योंकि ये सिलसिला जो बहुत पहले शुरू होनी थी किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन आपने जब से ज्वाइन किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर, ये डिसीजन लेकर के एक स्ट्रॉन्ग इंटरफेस बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफिसर एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी से हम ज़्यादा अच्छा विकास कर सकते हैं, बजाय अगर हम अकेला चलो की भावना लेके चलेंगे। तो उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार है कि ये डिसीजन आपने लिया और पहला कर्मशाला आपने हमारे विश्वविद्यालय में चुना। सर, हम दो चार बिंदु पे आपका ध्यान आकर्षण करेंगे। सर, अभी भी हम फूड सिक्योरिटी मिशन की बात करेंगे। सर, अगर आज हम सोचें कि हम फूड सिक्योर्ड हैं तो शायद मेरी धारणा गलत होगी, और आने वाले दिन में हम इस बात को क्यों कह रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, दिस इज़ ऑलमोस्ट 1.5% to 6%, और अभी जो करंट सेंसस आया है दे आर अप्रॉक्सीमेटली 2%। अगर 2050 की अगर हम बात करेंगे तो सर, मेरा अपना सुझाव है कि हम कम से कम फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे तो 5 मिलियन टन डेफिसिट हैं। सर हमारी लैंड जो कल्टिवेबल लैंड है ऑलमोस्ट हम लोग फिक्स्ड हैं। अभी हम लोग ज़्यादा नेट सोइंग एरिया में हमारी बढ़ोतरी बहुत ही कम होते जा रही है। जब तक वो एरिया हमारी नहीं बढ़ेगी तो हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, बट प्रोडक्शन बढ़ाना हमारा काम नहीं है। सर, लैंड दिन पे दिन श्रिंक करते ही जाएगा, लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ज़मीन की बंटवारा हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, घर बनेगा, लैंड जो भी इंक्रोचमेंट होगी वो लैंड का इंक्रोचमेंट हमारे खेतियर लैंड पे ही होना है। जब तक हम वर्टिकल ग्रोथ नहीं करेंगे, जब तक हम प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करेंगे, तब तक हम फूड सिक्योरिटी मिशन की बात नहीं कर पाएंगे। सर, जब हम फूड सिक्योरिटी मिशन की बात करते हैं तो हमारी जो धारणा होती है सिर्फ चावल पैदा करो। सर, हम लोग फूड बास्केट की बात नहीं कर पा रहे हैं। सर, सच्चाई यही है, फूड बास्केट का मतलब हम पल्स के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं। सर, हमारी स्पेशल ड्राई पल्स के लिए नहीं चल पा रही है। सर, आज अगर देखें आप चना अरहर का जो एरिया था, जो जोत था आज से 10 साल पहले, आज तो ऑलमोस्ट 25% घट गई है। सर, सिवाय लेंटिल के केस में, मसूर के केस में एरिया बढ़ा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी हम लोग संभव किसी तरह नहीं बढ़ा पाए हैं। सर, ज़रूरत हमें फूड बास्केट की, इसलिए हम इसलिए किया। सर, सर एक बहुत बड़ी समस्या चुनौती हमारे बिहार के लिए भी है, हमारे देश के लिए भी है। हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, सर 45% लेस देन 3 ईयर्स चिल्ड्रन आर माल न्यूट्रेटेड, अंडर न्यूट्रिशन में है। सर, सिर्फ चावल खिलाने से हम न्यूट्रिशन को ओवरकम नहीं कर सकते हैं। सर, अनलेस हम उनको कंप्लीट फूड बास्केट नहीं देंगे। सर, चाहे वो सब्जी हो, ICMR का जो रिकमेंडेशन है 400 ग्राम सीरियल और 80 ग्राम दाल पर डे पर पर्सन को खाने की ज़रूरत है। सर, बहुत सारे पॉपुलेशन को नहीं मिल पा रहा है, हमें ज़रूरत इस बात की है। सर, एक पल्स ड्राइव चलाने की बात है। सर, और जब हम पल्स ड्राइव की बात करते हैं तो सर मेरा एक ही ध्यान जाता है, जो हमारी एक ही सोच है, हम मैनेजमेंट प्रैक्टिस के ऊपर बहुत कम ध्यान दे पा रहे हैं। सर, चाहे वो धान की खेती की बात हो, चाहे वो दलहन खेती की बात हो, चाहे मक्का खेती। सर, मैनेजमेंट प्रैक्टिस का मतलब मेरा ये होता है, जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर है, जो आज हम लोग 120 और 60 और 80 की बात करते थे, वो सारा चेंज हो गया है। हमारे साइंटिस्ट हर
इको रीजन में काम करते हैं उनकी देखेंगे रिकमेंडेशन, जो रिकमेंडेशन आ रही है बिल्कुल चेंज होते जा रही है। और सबसे बड़ी बात है जो कि हम चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, बाई फर्टिलाइज़र का यूज हम बहुत ही कम कर पा रहे हैं सर। अच्छे अच्छे बाई फर्टिलाइज़र आ गए हैं सर, अच्छे अच्छे चीज़ हमारे यहाँ बन रहे हैं सर, उसका किसी कारण बस हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट में बहुत ही कम सफल हो पा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सर एक मैंडेटरी कर दिया जाए। हमको याद है कि एक बार हरियाणा में जब हम भारत सरकार में काम करते थे, हरियाणा में एक नारा लगाया कि हम सब्सिडी उन्हीं किसानों को देंगे जो समय पे बुआई करेंगे। अगर अक्टूबर 15 अक्टूबर और 15 नवंबर को गेहूं लगाना है, अगर आप 15 नवंबर को गेहूं नहीं लगाएंगे तो हम सब्सिडी लिंक नहीं देंगे आपको। सर इस तरह का इन्फोर्समेंट जरूरी है किसानों में, नहीं तो सर हम लोग बायो फर्टिलाइज़र का यूज नहीं कर पा सकते हैं। सर एक दूसरी क्वेश्चन है अवेबिलिटी की। सर आपने देखा होगा पिछले बार, या आप लोगों को भी निमंत्रण देते हैं, हमारे पास जो बायो फर्टिलाइज़र की लेबॉरटरी है उसकी कैपेसिटी 10 टन पर डे के हिसाब से है। जो भी रिक्वायरमेंट सरकार की हो सकती है, जिस तरह का बायो फर्टिलाइज़र, चाहे वो PSB हो, चाहे राइजोबियम हो, चाहे एजेक्टोबैक्टर हो, चाहे फॉस्फेटिक बैक्टीरिया हो, हर तरह का बायो फर्टिलाइज़र विथ सिक्योर्ड चीज़, जिसकी हम लोग टेस्टिंग करते हैं, अपने लेवल पे टेस्टिंग करते हैं, हमारे लेबॉरटरीज हैं। और हमने सबसे जो बड़ी बात किया है आपके जानकारी के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट, आज के दिन में जितने डिस्ट्रिक्ट बिहार में हैं, सभी जगह से हमने एक कल्चर बैंक तैयार कर लिया है। एक बैंक है, अगर किसी को लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का कल्चर चाहिए राइजोबियम और एजेक्टोबैक्टर का, तो हम लखीसराय के लिए एक्सक्लूसिवली राइजोबियम और एजेक्टोबैक्टर दे सकते हैं। किसी को औरंगाबाद के लिए चाहिए तो हम औरंगाबाद के लिए दे सकते हैं। वो बैंक हमने तैयार कर लिया है और जिसको जिस तरह की चीज़ें चाहिए हम लोग देने के लिए सक्षम हैं। हम कुछ किसान भाई को कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हरियाणा और पंजाब में लोग विश्वविद्यालय घूमते हैं हर शाम को, खास करके जो हमारे विश्वविद्यालय के करीब के गांव हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय 9 बजे 10 बजे रात तक फंक्शन करता है, हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो 7 बजे रात तक काम करती है। आप लोग आएँ, विश्वविद्यालय में घूमें, देखें क्या हो रहा है। विश्वविद्यालय में अगर कुछ कमियां हो रही हैं तो वो हमको बताएं, हम उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। जो अच्छी चीज़ें हैं आप लेके जाएं, उससे विश्वविद्यालय की आगे बढ़ोतरी होगी, आपका सुझाव होगा। सर इसी बात को लेकर के सर हम पुनः विश्वविद्यालय की तरफ से, हम अपने तरफ से, विश्वविद्यालय के परिवार की तरफ से सर आपका हम बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं। और तमाम साथी, तमाम हमारे ऑफिसर्स जो हर एक डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, मेरा एक ही गुजारिश है, जाने के पहले विश्वविद्यालय के गतिविधियों को भी देखते जाएंगे, मेरा फील्ड भी देखते जाएंगे, मेरा लेबॉरटरी भी देखते जाएंगे, समय मिलेगा हम आपका बहुत बड़ा भी शुक्रगुजार होंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय कुलपति RAU सर, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ, कृपया आप अभिभाषण के लिए पधारें। ये जो आयोजन आज किया गया है, ये मेरे ख्याल से इस प्रकार का आयोजन किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में, मेरे जो अपने ज्ञान में है, पिछले 3 साल से मैं बिहार में कृषि विश्वविद्यालय में हूँ, ये पहली बार हो रहा है। और इसके लिए मैं माननीय कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये उनका इनिशिएटिव एक ऐसा है कि जो निश्चय ही जो कृषि में प्रगति इस प्रदेश में हो रही है उसको आगे ले जाने में एक बहुत ही सार्थक कदम होगा। मुझे इस बात की जानकारी, माननीय महोदय अभी कुछ समय पहले राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में विज़िट किया था, उस समय प्राप्त हुई थी, और तभी से मैं इसके लिए इच्छुक था कि इसमें पार्टिसिपेट करके ज्ञानवर्धन मेरा हो सके, ताकि हम अपने प्रयासों को एक गति प्रदान कर सकें। आज बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप लोगों से, यहाँ सभी से मुलाकात करने का हमें एक मौका प्राप्त हुआ है। साथ साथ हम लोग सब साथ मिलकर जो कृषि की समस्याएं हैं उनको आगे ले जाने में विचार करेंगे, और एक एक्शन प्लान मोड में आगे काम करने के लिए जो विभिन्न बिंदु हैं उन पर विचार करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि कृषि आज भी वर्षा पर आधारित है। आप जानते हैं कि
इतना स्कीम आया इरिगेशन के लिए, आज भी शायद हमारा जो एरिया अंडर इरिगेशन है वो उतना ही है, लगभग थोड़ा बहुत उसमें बढ़ोतरी हुई है। क्या कारण है हमको सोचना होगा। जो हम लोग टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं, ज़रूरत इस बात की है कि कृषि की तरक्की अगर हम चाहते हैं तो आप लोग सभी वाकिफ़ हैं कि व्हाट वी नीड इज़ राइट इनपुट एट द राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर जिस पर कि सरकार भी प्रयासरत है, उसके लिए भी मंत्रणा होती है, विश्वविद्यालय भी उसमें कार्यरत है, जो डिफरेंट डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, जो डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल दूसरी भी एजेंसीज प्रदेश में काम कर रही हैं, वो उस पर प्रयास करते हैं। लेकिन हमें सबको देखना होगा कि ये जो तीन बातें हैं कि राइट इनपुट, चाहे वो सीड हो, उत्तम क्वालिटी का बीज हो, उत्तम वैरायटी का, और जो एप्रोप्रिएट हो पर्टिकुलर रीजन के लिए, वो समय पर उपलब्ध हो सके। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय श्री विजय प्रकाश कृषि उत्पादन आयुक्त बिहार से अनुरोध करूंगी, कृपया वो यहाँ पधारे और कार्यक्रम की रूपरेखा की विवेचना कर हमें अनुग्रहित करें। आज हम लोगों के लिए बेसिकली ये चिंतन का समय है, सोचने का समय है, हम सीखने का समय है, हमारे लिए कुछ लक्ष्य हैं किसी रोड मैप में। मैं उस लक्ष्य से भी आज आपको बोर नहीं करूंगा, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आप लोग अवगत हैं कैसे हम लोग अपने कार्यक्रमों को बेहतर बना सकें या कार्यक्रमों में क्या परिवर्तन लाया जा सके, क्या नीतियों में परिवर्तन लाएं। इस पर आपके जो भी सुझाव होंगे उसको हम लोग संकलित करेंगे, संग्रहित करेंगे और उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। इसलिए मूल रूप से हम लोगों का प्रयास ये होगा कि जो कुछ मुद्दे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, मैं समझता हूँ उन मुद्दों में आप हमेशा जोड़ घटाव कर सकते हैं, क्योंकि बीज हमारा एक मुख्य मुद्दा है। और ये जब हम बीज की बात करेंगे तो हम धान के बीज की बात भी करेंगे और दलहन के बीज की भी बात करेंगे। बीज की उपलब्धता एक मुख्य काम रहता है और अभी तक हम लोग का जो प्रयास रहा है वो सामान्यतया इनपुट ड्रिवन प्रयास है। अभी तक जो हम लोगों ने दिया है, हम लोग शायद बीज उपलब्ध करा देते हैं या खाद की उपलब्धता हम लोग सुनिश्चित करते हैं, अभी इनपुट पर चर्चा जो हो रही थी, या पेस्टिसाइड के लिए भी थोड़ा सा हम मदद करते हैं, कभी कभी प्रत्यक्षण हम करते हैं। मैं समझता हूँ शायद इन सभी मुद्दों पर हमें चर्चा करनी है कि एक, अगर करना है तो कैसे करना है, किस तरह के बीजों का उत्पादन हो, कहाँ हो। मैं समझता हूँ विश्वविद्यालय में हम लोग हैं तो यह भी हम लोग जान लें कि कौन कौन से बीज उपलब्ध हैं या हमारे फ्यूचर प्लानिंग में भी मदद कर सकते हैं आप, चूँकि ब्रीडर सीड यहीं होता है। एक डाइवर्जेंस चल रहा है कि ब्रीडर सीड हमको करीब करीब 3 साल पहले प्रिडिक्ट करना होगा कि हमको कितना सीड चाहिए, तब ब्रीडर फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड हम बना सकते हैं। तो हमारे पास एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए और ये कंटिन्यूस इंटरेक्शन हमारा यूनिवर्सिटीज़ के साथ चलना चाहिए, चूँकि ये फाउंडेशन तो यहीं ले होगा, सीड का फाउंडेशन होना है अगर यूनिवर्सिटीज़ में, और ये हमारे ब्रीडर सीड के प्रोड्यूसर हैं, तो हम लोगों को काम यहाँ पर ज़्यादा उनके साथ बहुत मिल के काम करने की ज़रूरत है। तो इसी दृष्टिकोण से बीच पर एक हम लोगों का काम हो। एक मुद्दा और मैं चाहता हूँ आप विचार कर लें, फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, मैं समझता हूँ फूड सिक्योरिटी की बात तो हम लोग ज़रूर करें कि हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़े, लेकिन किसानों को फ़ायदा कैसे हो ये भी हम भूल ना जाएं। मैं कुछ लोगों से ये निगोशिएट कर रहा हूँ कि अभी किसानों को जो मुख्य संघर्ष करना पड़ रहा है वो मूल्य के फ्रंट पर करना पड़ रहा है, किसानों को मूल्य नहीं मिलता है। हॉर्टिकल्चर हमारा एक मुख्य मुद्दा रहेगा और हॉर्टिकल्चर पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में हॉर्टिकल्चर की असीम संभावनाएँ, वेजिटेबल सेक्टर में भी और फ्रूट सेक्टर में भी, और हम अच्छे हैं, ये भी नहीं है कि हम हमारी इसमें स्थिति ख़राब है, लेकिन हम लोगों को उसके बीज के लिए क्या काम करने की ज़रूरत है। उसमें हम लोगों को अभी मिक्स्ड, इसकी हॉर्टिकल्चर की बात हुई तो मिक्स्ड हॉर्टिकल्चर में वास्तव में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोग को समस्या हो रही है और उस समस्या पर भी आप जरा सा विचार कर लेंगे वो कि हम किसी क्रॉप में हम एक्सेस या ज़्यादा
प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, प्राइस क्रैश कर रहा है, अभी आलू में ही प्राइस क्रैश कर रहा है। हम लोग के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए और हम लोग को इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में इनफैक्ट हम लोगों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं और अपेक्षाएं भी हैं, लेकिन कैसे हम बढ़ें, क्या क्या क्रूशियल समस्याएं हैं, इस पर हम लोग आज विचार करें। हम लोग क्या एक, मैं आपको सीड छोड़ जाता हूँ कि इसमें अभी जो हम लोगों का नर्सरी बनता है, नर्सरी में हम लोग किस प्रकार नर्सरी को रेगुलेट करेंगे, क्योंकि सीड का प्लांटिंग मटेरियल्स की उपलब्धता एक मेजर चैलेंज है हमारे लिए हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, पर्टिकुलरली इसमें तो वेजिटेबल सेक्टर में तो हमारा हम सरकार की ओर से बहुत ज़्यादा हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हमको क्या काम करना चाहिए, मैं चाहता हूँ आपसे सुझाव। इस पर हम लोगों ने ये भी नहीं किया है, वेजिटेबल सेक्टर में सीड के इम्प्रूवमेंट पर भी पता नहीं जो जो काम हुआ है यूनिवर्सिटी में, मैं समझता हूँ वो आप उसके आधार पर बताना चाहिएगा, ताकि उसके आधार पर हम लोग अगर कुछ प्लान बना सकें तो वो प्लान हम लोग बनाएं। मित्रों, मैं अभी यहीं रुकूंगा, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि आज के अंत में, आज जब हम शाम को बैठेंगे, तो हमारे पास एक ठोस कार्य योजना हो जाना चाहिए जिसके आधार पर हम लोग खरीफ को, इस बार जो खरीफ का लक्ष्य है, हम लोगों का जो लक्ष्य रखना चाहते हैं, उसको हम लोग पूरा कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। बीज पर काफ़ी चर्चा पहले हो चुकी है और हमें मार्गदर्शन और निर्देश दिए जा चुके हैं। सबसे तीव्र गति से किसानों के बीज पहुंचाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसमें खरीफ मौसम में दो फसलें चिन्हित की गई हैं, धान और अरहर। इसमें भी बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम करवाता है और इसमें आधार बीज ही किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। खरीफ मौसम में श्री विधि धान प्रत्यक्षण किस किस योजना से चलाए जा रहे हैं वो आपके सामने है, और उसमें प्रति एकड़ हम क्या अनुदान राशि, अधिकतम सहायता राशि रखते हैं वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। श्री विधि धान प्रत्यक्षण फसल पद्धति आधारित श्री विधि धान जीरो टिलेज गेहूँ प्रत्यक्षण, खरीफ में मक्का का प्रत्यक्षण, अरहर प्रत्यक्षण, मरुआ प्रत्यक्षण, बाजरा का प्रत्यक्षण ये कराए जा रहे हैं। तो योजना के विस्तार में बहुत सारे जो हम लोग योजना कार्यान्वित कर रहे हैं उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं। योजनाओं के सर हम लोग उपलब्धि भी इस साल बहुत 70% के आसपास ही उपलब्ध हो पाया है। कुछ जिलों ने अच्छा किया है उसमें 90%, किसी ने 100% तक भी किया है, लेकिन बहुत से जिलों ने बहुत खराब उपलब्धि किया है। हम एनर्जी इफिशियंट टेक्नोलॉजीज में जा रहे हैं, तो वर्मी कंपोस्ट एनर्जी इफिशियंट नहीं है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं, तो इसलिए इस पर ज़रा विचार किया जाए। नई यूनिट देने से पहले पुरानी यूनिट को सक्सेसफुल कराना ज़्यादा ज़रूरी। I'm
Yeah.